हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है आरटीडी की एक नया मॉडल आया हुआ है, तो उसका हम लोग रिव्यू करेंगे, इसका ब्राइटनेस चेक करेंगे। तो इसको बॉक्स ओपन करके आपको पहले दिखा देता हूँ कैसी लाइट है ये। तो बाकी सब एलईडी के लिए डीसी कनेक्शन कंपलसरी है, तो मैंने काफी सारे वीडियोस में मैंने बताया है और कुछ वीडियोस भी बने हुए हैं, तो वैसे ही सेम ही है सब। तो ये है आरटीडी का, ऐसी हेडलाइट है, साइड फेसिंग हेडलाइट है और इसमें डुअल कलर है, व्हाइट एंड येलो। और इसमें कुछ अलग सा मतलब नया तरीके से कुछ बनाया हुआ है, इसका कैनवास देखे ऐसा दिया, तो नॉर्मल यूजुअली ऐसे वायर होता है तो वो वायर नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऐसा दिया है फैसिलिटी। इसमें भी एक बॉक्स में दो आती है, अगर आपको सिंगल चाहिए तो मिल जाएगा सिंगल भी। इसका ये निकलता है क्या, ये बात देखना, टाइट है ये काफी, ठीक है चलेगा जैसा है वैसा ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, तो ये साइड फेसिंग रहेगा और वाइट येलो है। बाकी इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग एक बार चेक करते हैं, इस पर कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये है, इस पर ये देखेंगे। तो पावर आउटपुट है इसका 28 वाट का है और लुमेंस अगर हम देखेंगे तो लो बीम है 2000 लुमेंस का और हाई बीम है इसका 2800 लुमेंस है, तो पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा इसका। ये अराउंड 28 वाट का है और जो आरटीडी 42 वाट M02H आती है वो आती है 42 वाट की आती है। तो इसको पहले ऑन करके आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो लो बीम पे ये व्हाइट हो रही है और हाई बीम पे येलो है, ये देखिए ये ऐसे साइड फेसिंग जैसी रहेगी। तो हाई बीम पे येलो हो रही है और लो बीम करेंगे तो वाइट हो जाती है, देखिए ऐसे। तो अभी हम लोग जो है इसका पावर कंजम्पशन चेक करेंगे, कितना पावर कंजम्पशन इसका करता है। तो क्या मतलब काफी लोग पूछते हैं कि छोटी बैटरी होती है तो क्या क्या हेडलाइट कैसी है, मतलब कौन सा लेना चाहिए। तो ये इसमें भी इससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आपकी बैटरी के हिसाब से। और अगर आपको इसको परचेज करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं फटाफट आपको इसका पावर कंजम्पशन दिखाता हूँ। तो अभी मैं आपको इसका पावर कंजम्पशन दिखाता हूँ कितना होता है। तो इसका पूरा सेटअप कर दिया मैंने, फिलहाल पहले लो बीम से स्टार्ट करते हैं। तो लो बीम है इसका 0.9 एम्पियर, 1 एम्पियर से कम है, और इसका हाई बीम चालू करते हैं येलो कलर वाली, तो उसका भी 0.9 एम्पियर है, 1 एम्पियर से कम है, तो काफी अच्छा है। इसका बैटरी कंजम्पशन बहुत कम है, तो मतलब ये चल जाएगा, अगर छोटी बैटरी होगी तो भी ये अच्छी है, चल जाएगी। वापिस एक बार दिखा देता हूँ। तो इसका लो बीम है 0.9 एम्पियर और इसका हाई बीम जो है वो भी 0.9 एम्पियर है, तो काफी अच्छा है, इसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी अपनी एक्टिवा में इंस्टॉल करूंगा और फिर इसका ब्राइटनेस चेक करेंगे कि कैसा आउटपुट आता है इसका। मैं इसको दूसरे हेडलाइट पे भी इसको ट्राई करूंगा कैसे दिखाई देती है, क्योंकि कैसा होता है कि अलग अलग बाइक की जो अलग अलग हेडलाइट आती है ना, सबके रिफ्लेक्टर अलग अलग आते हैं, तो सबका थ्रो जो है ना उस पर अलग अलग ही आएगा। तो अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं अलग अलग बाइक का भी मैं ट्राई करूंगा बताने के लिए कैसे कैसे दिखाई देती है। तो एक्टिवा में अगर जितना आ रहा है ना, तो उससे अच्छा तो दूसरे बाइक में उससे अच्छा आएगा ही, 100% आएगा उसमें, ठीक है। तो चलो फिर सबसे पहले मैं आपको इसका एक्टिवा में आपको दिखाता हूँ और पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ अगला वीडियो भी बनाऊंगा दूसरे हेडलाइट के लिए। तो अभी इसको एक्टिवा में फिट कर दिया है, मैं आपको बाद में फिर इसको अभी ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो डीसी कनेक्शन कंपलसरी है, ये एक्टिवा 3G 2G वाला किसी भी बाइक और स्कूटर में भी फिट हो जाएगा। तो ये एम्बर और वाइट होता है इसके अंदर। अभी मैं आपको आरटीडी डुअल कलर का ब्राइटनेस आपको मैं दिखाता हूँ, एक्टिवा पे लगाया हुआ है। तो अभी इसको ऑन करते हैं और ये है वाइट स्टार्ट हुआ है, तो ये डुअल कलर की है, इसमें वाइट येलो है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एक्टिवा में। तो अगर एक्टिवा में अगर रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा तो आपको दूसरे बाइक में भी आपको रिस्पॉन्स आपको इसका अच्छा ही मिल जाएगा। और अलग अलग बाइक में स्कूटर के जो रिफ्लेक्टर अलग अलग साइज शेप और साइज आते हैं, तो सब में आपको रिफ्लेक्शन आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा लाइट है, ये मतलब आपको सिटी यूज़ के लिए, हाईवे यूज़ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल है, अच्छा लाइट है ये। तो आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्टेंस पे जा रहा है ये। तो ये लो बीम पे वाइट होती है, अभी मैं हाई बीम करता हूँ तो
तो ये देखिए हाई बीम का भी रिफ्लेक्शन काफी अच्छा है। तो ये एक्चुअली एम्बर कलर है, आपको मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको जो येलो दिख रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में एम्बर कलर की है और काफी अच्छा, मतलब अगर कोहरे में अगर आपको चलाना हो ना फॉग में या रेनी सीजन में, तो ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो मैं आपको दूर से और थोड़ा सा साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये साइड से है, तो अब देख लीजिए अभी कहाँ पे मेरी एक्टिवा खड़ी है और इसका फोकस कहाँ तक जा रहा है इसका। तो काफी अच्छा लाइट है, और मैं पीछे से भी अगर आपको दिखा देता तो ये देखिए, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें एक्टिवा में। तो बाकी बाइक और स्कूटर में भी आपको अच्छा ही आपको मिलेगा। तो काफी अच्छा लाइट है, ये एक्चुअली एम्बर कलर में है, आपको मोबाइल में से आपको जो येलो कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये एम्बर कलर है और काफी अच्छा लाइट है ये। तो मुझे तो अच्छा लगा, पसंद है ये मुझे। तो अगर आपको भी लगाना तो आप इसको मुझे परचेस करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये आपको जो ये एम्बर कलर है ना, ये आपको ऑल सीजन टाइप जैसा है, मतलब आपको रेनी सीजन हो या फॉगी वेदर हो या मतलब बारिश, ऐसा कोई भी किसी भी कंडीशन में चलाना आप चला सकते हैं। रोड पे आपको काफी अच्छा लाइट आपको मिलेगा। एक बार ऑफिस में मैं ऐसा व्हाइट दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए व्हाइट जो है थोड़ा सा पहले आता है, और जब भी एम्बर करूंगा तो थोड़ा सा दूर जाता है। तो ये लो बीम पे व्हाइट है और हाई बीम पे एम्बर होती है। अगर आपको उल्टा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बाइक और स्कूटर का जो सॉकेट का जो पिन होता है ना, वो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा फिर बाद में। तो वापस एक बार दिखा देता हूँ। तो ये एम्बर है हाई बीम पे और ये लो बीम पे व्हाइट है। अगर आपको ये परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इसके लिए आपको डीसी कनेक्शन कंपलसरी है, कोई भी बाइक स्कूटर कुछ भी हो डीसी कनेक्शन होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।